नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरीके से वापस लेने की मांग को लेकर पिछले करीबन 7 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। दिल्ली से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के रेवाड़ी जिले में संयुक्त किसान मोर्चा दो पार्ट हो गया। आने वाले दिनों में इसका असर उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी देखा जा सकता है। जागरण संवाददाता के मुताबिक एक दिन पहले बुधवार को अनाज मंडी में हुई भारतीय किसान यूनियन की बैठक में पदाधिकारियों ने संयुक्त मोर्चा में शामिल अन्य किसान संगठनों पर तालमेल से काम नहीं करने तथा बैठकों में भाग न लेने का आरोप लगाया है। किसान भवन में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में चढ़ोनी ग्रुप ने विधानसभा घेराव में भाग लेने का निर्णय लिया। उधर यूनियन के जिला प्रधान संयम सिंह ने कहा कि संयुक्त मोर्चा के उधर यूनियन के जिला प्रधान समय सिंह ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 26 जून को चंडीगढ़ में किए जा रहे हरियाणा विधानसभा घेराव जिले में किसान संगठन के सदस्य शामिल होंगे। बैठक में संगठन का विस्तार भी किया गया है, जिसमें ईश्वर सिंह भलावत बावल को रेवाड़ी, जिला उप प्रधान धर्मवीर गांधिया को नाहट, ब्लॉक प्रधान व प्रवक्ता कुलदीप सिंह बुटपुर को वरिष्ठ महासचिव नियुक्त किया गया। भारतीयों के जिला प्रधान ने कहा कि रेवाड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा बिखर चुका है। जिला में काम कर रहे चारों संगठनों में तालमेल की कमी है तथा अन्य संगठनों के पदाधिकारियों बैठकों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ संगठन काम नहीं कर रहे हैं तथा उंगली कटाकर शहीद हो चुके हैं। कुछ संगठन काम नहीं कर रहे तथा अंगुली कटाकर शहीदों की सूची में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। काफी प्रयासों के बाद भी अन्य संगठन बैठकों के लिए तैयार नहीं हुए तो उन्हें मंजूरी में अपने संगठन की बैठक बुलानी पड़ी। उन्होंने कहा कि यदि यह लड़ाई जीतनी है तो एकजुट होकर लड़ना होगा।